हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप भी ठीक होंगे। और हमारे यहाँ पर तो फ्रेंड्स सर्दी सब्जी गई हो रही होगी शायद, मुझे कहीं का पता नहीं है, आप कमेंट भी नहीं करते मेरे को। तो आज थोड़ी सी है ना धूप निकली फ्रेंड्स, खुशी तो बहुत हुई। और अब ऐसा लगता है कि कल का मौसम साफ हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने कल आपको बताया था कि चूल्हा जलाने से, मतलब थोड़ा सा तब जलाने से हमारे सारे प्लांट धूल मिट्टी से मतलब छा गई थी, मतलब इनके ऊपर इतनी धूल मिट्टी हो गई थी। तो मैंने आज सुबह मॉर्निंग मैंने इनके ऊपर अच्छे से शावर दे दिया था और धुलाई बुलाई भी कर दी है। कुछ गमले तो मैंने फ्रेंड्स थोड़े से अभी सेटल करने पड़ेंगे, तो आपको एक एक करके बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अभी है ना टेरेस पे भी थोड़ा चल के दिखाऊंगी फटाफट, फिर नीचे का दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने सारे ही पौधों को शावर दे दिया है क्योंकि धूल मिट्टी छा गई थी, क्योंकि मैंने आग आग जलाई थी। तो इनको भी है ना 3-4 दिन में आज शावर दिया है, क्योंकि शावर देने से इनसे हेल्थ अच्छी रहती है। और अब मैं धोए धोने का काम करूँ। और सर्दी हमारे इतने भयंकर कड़ाके की पड़ रही है, फिर क्या ही बताऊँ आपको, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं मॉर्निंग की वैसे क्लिप लगा दूंगी, पर मैंने सारे प्लांटों को शावर दे दिया है आज। ये देखिए थोड़ा सा मेरा स्टैंड ख़राब हो चुका है, और ये देखिए क्रोटोन की काफ़ी अच्छी लीव हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही इतना बड़ा हो जाएगा ना ये, तब इसका ऊपर से मुंह पिंच कर दूंगी तो थोड़ा घना हो जाएगा। और ये देखिए क्रिसमस का है, स्नेक प्लांट है, सब पे शावर दिया था क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो फ्रेंड्स पौधों से ऑक्सीजन मिलती है इस वजह से, तो इनको भी है ना साफ रखने का अपना फ़र्ज बनता है। ये देख लीजिए इधर, ये देखिए, तो क्या है कि फ्रेंड्स इनको भी है ना एक तरह से भोजन ही होता है इनका, पानी भी। ये देखिए तो अच्छे से शावर वावर दे दिया है, ये देख लीजिए। और देखिए इधर, देखिए फ्रेंड्स पूरा आपको ऐसे दिखाती हूँ मेरा गार्डन, अच्छा लगता है फ्रेंड्स साफ सफाई करना भी। और इन्हीं प्लांटों की वजह से फ्रेंड्स मैं खुश रह पाती हूँ। देखिए इधर देख लीजिए, देखिए स्पाइडर प्लांट के फ्लावर। और फ्रेंड्स इस स्पाइडर प्लांट ने मुझे ढेर सारे प्लांट दे दिए, और इतनी इनकी खुशी देख लीजिए कि क्या है इसके, इनके देखो धुलाई करने से देखिए काफ़ी अच्छी हेल्थ है। देखिए कितना वीक साइज का हो गया है फ्रेंड्स, काफ़ी वीक साइज का हो गया है। बस ये है कि बार बार जगह चेंज नहीं करनी चाहिए। और देखिए इनके इसके जस्ट बगल में जो लगाए थे ना सारे फप्स, ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना घना हो गया है। और फ्रेंड्स खुशी इसी चीज़ की होती है कि जब प्लांट लगाते हैं और वो उनसे जी इतनी अच्छे ग्रोथ होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे इनको रखना है थोड़ा सा। और ये देखिए मेरा सिंगोनियम, तो ये सारे ही प्लांट फ्रेंड्स ऑक्सीजन प्लांट हैं, तो ज़रूर लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स तेज़ सर्दी की वजह से ही है ना मैंने ये आग जलाई थी, तो थोड़ा धूल मिट्टी इन पे भी हुई है, ऐसे बाहर जला के लेके आती हूँ। और ये देखिए मेरा है ना जो एलोवेरा है, और फ्रेंड्स एलोवेरा भी है ना ऑक्सीजन प्लांट है फ्रेंड्स। और देखिए छोटे से मात्र इसने पोट में लगा रखा है, और ये तो फ्रेंड्स आयुर्वेदिक पौधा है फ्रेंड्स, इससे तो हजारों इसके हजारों गुण हैं। और इधर देखिए फ्रेंड्स मेरे, ये देखिए मनी प्लांट इधर भी काफ़ी अच्छी चली हुई है। ये देखिए स्पाइडर प्लांट, ये भी अच्छे चल रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये देखिए, और ये वाला दूसरा क्रोटोन है, ये देखिए। और बस यही है कि फ्रेंड्स प्लांटों को अच्छा रखेंगे तो मन भी प्रसन्न रहता है, ये देख लीजिए, ये देखिए। और ये स्नेक प्लांट की फ्रेंड्स मैंने कुछ कटिंग लगाई है, देखिए ये लगा रखी है। और ये ड्रेसलिना पता नहीं कुछ ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स, पर ये बढ़ ही नहीं पाया, इसके छोटे छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं। और ये देखिए इधर भी एलोवेरा है, ये तुलसी मैया जी है तो मेरी रखी हुई है। और ये देखिए ऐसा व्यू आता है फ्रेंड्स, खाद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इंडोर प्लांटों को तो वैसे है ना फ्रेंड्स महीने में एक बार डालना पड़ता है, तो वो भी लिक्विड खाद है, जिसे वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड खाद डाल सकते हैं आप, दाल चावल का पानी डाल सकते हैं, तो वो सब ही डालती हूँ। और अभी है कि आप बस ये है कि 2-4 दिन में आप अपने प्लांटों को शावर देते रहिए। और फ्रेंड्स अभी चलते हैं टेरेस पर, थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स आप लोगों से एक मेरी यही है कि मेरा एडिशन पिन नंबर आ चुका है, मुझे ढंग से नाम नहीं आ रहा, बस ये है कि आप लोगों का फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो
सपोर्ट कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फ्रेंड्स सभी को पता है कि यूट्यूब से पैसे कमाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों का जितना अच्छा सपोर्ट होगा तो मुझे और अच्छे आगे बढ़ाइए आप लोग। और मैं पर जो भी होगा मैं आपके साथ में जैसी भी होगा मैं जैसे तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाने की आपके साथ में कोशिश करूँगी। तो मेरे को सब मुझे इतना तगड़ा है ना आज ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स जुकाम हो चुका है, क्योंकि इतने सर्दी का मौसम है। और फ्रेंड्स बार बार आना मुझे क्या होता है कि अभी मेरे को मेरे काम के लिए मेरे को कभी आधार कार्ड को लिंक कराना पड़ रहा है, कभी इसको उससे कराना पड़ रहा है, सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे उनको ठीक कराने में जा रहा है। और 3 दिन हो गए फ्रेंड्स, 3 दिन से ही मैं भागा दौड़ी लग रही है। अब क्या करूँ फ्रेंड्स, वो काम मुझे ही करने पड़ते हैं और सर्दी में कोई जाता नहीं है और मैं अकेली इतना कहाँ तक करूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करिए मुझे प्लीज़। तो चलिए, और देखिए फ्रेंड्स मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ और इस बार मेरे पास में काफ़ी सारा है ना जो किचन वेस्ट इकट्ठा हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं कल इसको ने जो सारे को दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, इसको मैं ना खाद बनाने के लिए डालूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे तो मेरे मटर के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, और ये काफ़ी सारा सर्दी में सारा बहुत सारी सब्जी आती निकलता रहता है। तो कल का भी ऐसा ही है कि कट्टा ले लूँगी, कट्टे में उसमें मिट्टी डालूंगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर उसमें किचन वेस्ट भरती जाऊँगी, फिर ऐसे ऐसे करती जाऊँगी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इतनी सारी तो मतलब मेथी के हैं, मटर के छिलके हैं, प्याज के हैं, और सारा ही मैं इकट्ठा करती जाती हूँ, देख लीजिए इतना सारा हो चुका है। और ये देखिए ये इधर मेथी इसके छिलके हैं, कुछ गार्डन के सूखे पत्ते वगैरह हैं, जो कनेर के पत्ते वगैरह हैं सबको। तो कल है ना फ्रेंड्स मैंने एक इसको खाद बनाने के लिए डालूंगी, तो इसकी जो प्रक्रिया होगी फ्रेंड्स मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। जैसे अभी सर्दी के मौसम में यही है कि आप खाद बनाने के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दी में बहुत सारी वेजिटेबल होती है, इतनी सारी होती हैं कि कभी मटर है, मेथी पालक के छिलके हैं, और मतलब सब्जियाँ इतनी सारी आती है, और मटर तो बहुत ही आती फ्रेंड्स, तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। और मैं तो है कि फ्रेंड्स खाद बनाऊंगी तो कल आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा फिर पानी डालने लगी थी मूलियों में, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन इनकी मुझिया बना लूँगी, पत्ते पत्ते की एक दो मूली वाली ले कर आ जाऊँगी। और फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मूली है, अब मूली तो फ्रेंड्स मैंने ना ऐसे ही ऊपर ऊपर डाली थी, तो सोच रही हूँ अभी मेरे पास ये काफ़ी सारी मिट्टी पड़ी हुई है तो इनके अंदर खुद तैयार करके और मूली और डालूंगी। फ्रेंड्स मैंने एक काम और किया है आज, तो जैसे ही मेरे पास ने एक बैंगन का प्लांट रखा था, काफ़ी टाइम का हो गया, मतलब दो तीन महीने का हो गया, हाँ फ्रेंड्स 2-3 महीने का हो गया वो, और मेरे पास में कोई ग्रो बैग था ही नहीं, मतलब तो मैं क्या करूँ, जिसमें मैंने ये किचन वेस्ट भरा है फ्रेंड्स इसी के अंदर मैंने इसको प्लांट कर दिया, मतलब इसी में लगा दिया है ताकि इसको अच्छे से भोजन मिल जाएगा। तो ये मौसम बिल्कुल ठीक भी है, और अभी धूप नहीं निकल रही है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई छाया में रखो या कहीं भी रखो, ये अच्छे से सेट हो जाएगा मेरा प्लांट। और इसको जो बाद में भोजन मिलेगा ना फ्रेंड्स इसके अंदर से, तो इतना भरपूर मात्रा में मिलेगा कि इसमें ढेर सारे बैंगन आएंगे, क्योंकि ढेर सारे बैंगन इसलिए आएंगे क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर है ना जो किचन वेस्ट खाद भरा हुआ है पूरा। ये फ्रेंड्स मेरे पास में एक ये बैंगन का पौधा रखा था, कई टाइम हो गया इसको, और मेरे पास में कोई ग्रो बैग था नहीं, तो मैं क्यों ना सोचा जाए इसको इसी में लगा दूँ आज। ये देख लीजिए इसको निकाल लेते हैं पॉलीथीन से, ये देख लीजिए ये तो मैंने है ना पर्सलिन की कटिंग साइड में कर रखी है, और ये देखिए पूरा पौधा इसमें धीरे धीरे से जैसे डिकम्पोज होता जाएगा ना ऐसे बैठता जाएगा है। और ये देखिए इसमें है ना जो फ्लावरिंग भी हो रही है, क्योंकि इसकी एज है फ्रेंड्स पौधे की, क्या है इसको स्पेस नहीं मिल पाया तो बेचारा इतना सा रह गया, तो इसके अंदर मैंने लगा दिया है। और फिर थोड़े दिन बाद देखना है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, तो ये काम भी किया था आज मैंने। और देखिए फ्रेंड्स 2 दिन पहले मैंने धनिया तोड़ा था, तो धनिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, वापस से हरा भरा हो चुका है। तो फिलहाल अभी धनिया मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि और बढ़ने दूंगी इसको। और ये रहे टमाटर के पौधे, तो देखिए इनके सकर्स मैंने सारे हटा दिए थे, तो देखिए क्योंकि फ्लोरिंग पे आ चुके हैं ये। और ये मेरी लौकी की बेल है, ये टमाटर जी है, और फ्रेंड्स धूप बिगड़ इनकी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ रहा है। और ये देखिए मेरी लौकी की बेल, और ये देखिए एक ही सरसों का पौधा उगा है तो इसमें फ्लोवर आ रहे हैं, देख लीजिए। और ये टमाटर है, ये लौकी की बेल है, ये देखिए और टमाटर है, ये लग रहे हुए हैं।
और इधर देखिए ये फलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स फलियाँ ना जो एक स्प्रे किया था फ्रेंड्स, पर मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, फिर भी फलियाँ लगी हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो पौधा रेस्ट भी लेता है, नई नई ब्रांच निकल रही है तो फलियाँ अभी मुझे मिलेगी थोड़ा रेस्ट। देखिए और इधर है फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा बैंगन तो नहीं है, अभी बैंगन की ग्रोथ कमी है, अभी तो मैंने हार्वेस्ट किए थे, फिर भी ये देखिए फूल वगैरह बन रहे हैं, अभी चल रहे हैं बैंगनों की। और ये देखिए तुलसी मैया मेरी लगा रखी है मैंने इधर फ्रेंड्स। इधर है ना जो ये क्या बोलते हैं गुड़हेल का है फ्रेंड्स, ये देसी गुड़हेल होता है। इसके लिए क्या है कि ज़मीन में ही अच्छे से ग्रो हो पाता है, वैसे गमले में कमी चल पाता है। मैंने पहले भी लगाया था पर इस बार मैंने क्या किया है, इसके अंदर सरसों की खल का खाद है ना फ्रेंड्स, वो डालती जा रही हूँ इसके अंदर, और छाछ भी डालती जा रही हूँ। उससे क्या हुआ कि मेरे गुड़हेल के जो फ्लावर है ना काफ़ी अच्छे खिल भी रहे हैं और अब बिल्कुल भी झड़ भी नहीं रहे, तो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे एक एक फूल है ना जो दो तीन दिन में मिल रहे हैं, और ये फूल क्या होता है फ्रेंड्स तो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे, दो चार दिन तो चलते ही चलते हैं। और वो दूसरा वाला जो कने जो गुड़हेल का है फ्रेंड्स, वो एक दिन या दो दिन में ही टिक पाएगा, क्योंकि अभी इतना धूप मतलब सर्दी है ना इस वजह से। और ये वाला है ना जो दो चार पाँच दिन ठहर जाता है, तो चलो आपको दिखाते हैं क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स गुड़हेल का, और ये देखिए इसमें कई लेयर होती है, जैसे एक दो और ये तीन, इससे तीन और ये चार है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही बिग साइज में होता है, कई लेयर में होता है। तो देखिए भर भर के कली आ रही है, और इसको मैं डाला था, मैंने छाछ का खाद डाला था और सरसों की खल का मैं बदल बदल कर खाद डालती रहती। और ये देखिए अब इसमें है ना जो फ्लोवर खिलेगा, ये भी शायद कल खिल जाए या परसों खिल जाए फ्रेंड्स। इनका थोड़ा सा मौसम ऐसे ही हो रहा है, अगर धूप खिलने लग जाए तो फ्रेंड्स प्रॉपर है ना पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाए, पर चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऊपर वाले की वो है। और ये देखिए बोगनविलिया, बोगनविलिया भी काफ़ी अच्छी हो रही है मेरी। और ये देखिए फ्रेंड्स ये पीले पत्ते पड़ रहे हैं ना, तो ये नेचुरल है, इनको हटा देना चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स सारे इकट्ठा करके और है ना जो इनकी खाद बनाती हूँ, तो मेरे गार्डन से मुझे काफ़ी सारा सूखे पत्ते मिल जाते हैं, किचन वेस्ट मिल जाता है, तो फ्रेंड्स मैं ना इनसे मेरे गार्डन में बाज़ार से मार्केट से खाद लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, देख लीजिए। और ये देखिए गुलाब का फूल खिलने का मैं वेट कर रही हूँ, और ये देखिए कलियाँ दिना दिन बढ़ती जा रही है। और फ्रेंड्स इधर झाड़ मैंने इसलिए लगा रखी है कि इधर से झूली वूली आ जाती है मेरी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जुगाड़ मैंने ऐसे कर रखा है कि यहाँ पर मैंने है ना जो बड़े बड़े गमले रख दिए हैं ताकि मेरे इधर से कोई आ नहीं सके, मतलब ये देखिए ये दूसरा वाला गुड़ेल है, ये सारे मैंने इधर डोली पर रख रखे हैं। और ये देखिए मेरे बेलपत्र का काफ़ी अच्छा गना हो रहा है, ये देख लीजिए। और ये देखिए कलियाँ गुलाब की काफ़ी अच्छी अच्छी खिली हुई है, ये देखिए। और इसके अंदर भी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सरसों की खल का खाद डाला है, ये देख लीजिए। और ये चांदनी का है, तो चांदनी में भी अभी कलियाँ बन रही है। और फ्रेंड्स जैसे धूप निकलेगी ना इन पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये सिंगल पैटर्न वाला है गुड़हेल, तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दिखाने के लिए आई थी। और ये देखिए मेरी शमी के पौधे की हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, थोड़ा टाइम लेता है कोई सा पौधा होता है तो, ये देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नीचे, क्योंकि सर्दी ने तो हाल इतने बेहाल कर रखे हैं कि क्या करें फ्रेंड्स, पर यह है कि हर मौसम का होना भी ज़रूरी है। और फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ नीचे और आपको पूरा अपडेट दिखा दिया है। और फ्रेंड्स इस सर्दी की वजह से है ना जो जितना हो सके उतना मैं आपको साथ में जो चीज़ होती है शेयर करने की वो करती रहती हूँ। बस ये है कि आपको सर्दी में पौधों में पानी नाम मात्र का जैसे ड्रॉप डालते हैं ना वैसे ही डालना है, तो आपके प्लांट बिल्कुल सेफ ही रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही है। अगर आज का मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।